कुदस लुका के बारह लिखिए जी नवा बाब और उसकी 23 आयत। आज का कलाम आपके लिए बहुत बड़ा तरक्की का वसीला होगा, बरकत का वसीला होगा, अपने आप को देखने का मौका आपको मिलेगा। हालेलुया। क्या आप अपने अंदर से देखना चाहते हैं? इस आयत पर गौर करें, आपको अपना अंदर नजर आ जाएगा। जी पढ़े, वही सर्कल का पढ़ेंगे आप। हमारे लिए आज की तलावत कदस लुका के मार्फत लिखी गई अंजील और उसका नामा पाप और उसके 23 आयत से पढ़ी। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने खुद ही से इनकार करे और हर रोज अपने स्लीप उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। खुदाओं के पास नाम के पढ़े और सुनने पर खुदाओं का अपना बख्शे। मेरे चीजों सब के मैं अपनी खुदी से इनकार करता हूँ, सब के मैं अपनी खुदी से। आज मैं आपको ये खुदा का कलाम देना चाहता हूँ कि हमें खुदाओं की तरफ से हुक्म है कि हम अपनी खुदी से इनकार करें। और जो शख्स अपनी खुदी से इनकार करता है वो अपनी स्लीप उठाता है, दूसरा शख्स अपनी स्लीप नहीं उठा सकता। खुदा यीशु मसीह ने कहा हर रोज अपनी स्लीप उठाए और मेरे पीछे हो ले। आप कहेंगे मैं तो यीशु मसीह के पीछे इसलिए आया हूँ कि मैं सुख पाऊँ, दुख ना पाऊँ, लेकिन यहाँ लिखा है कि अपनी स्लीप उठा और यीशु कह रहे मेरे पीछे चल। ये कि मैं जट पे आ गया वहां यीशु ने देता सुख, कोई मैं कहता अपनी स्लीप उठा तो मेरे पीछे। अब देखिए आप सुख को पसंद करेंगे या दुख को? स्लीप उठाना पसंद करेंगे? देखो यीशु क्या कह रहा है हमारे लिए, अपने जब कोई आपको गाली देता है तो ये जब बर्दाश्त करते हो ये आपके लिए स्लीप है। हालेलुया। जब कोई आपको दुख देता है आपकी जिंदगी में, चाहे बहन है भाई है, जब आप बर्दाश्त करते हो ये स्लीप है। जब आप अपने बुरे कामों को छोड़ते हो, कोई कहता है आज अगर आप नशा नहीं कर रहे तो ये आपकी स्लीप के साथ दुख है कि पहले आप शराब पीते हो। यानी कि जो चीजें ऐसी चीजें हैं जिनमें अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें छोड़ते हैं हमें दुख महसूस होता है, होता कि नहीं होता? अब मेरा अच्छा था और मैंने जब मसीह को कबूल किया तो मैंने उसकी बुराइयों की वजह से उसे छोड़ दिया, ये मेरे लिए सलीब है, ये दुख है। एक मैं दोस्त के साथ जाया करता था, अपने दिल की बातें करता, आज मैंने उसे छोड़ दिया, ये क्या है मतलब? सलीब है, यानी कि जिसे हम अपनी मर्जी से हम जिंदा नहीं रह सकते। अपने आप का इनकार, अपनी खुदी का इनकार करने से मुराद क्या है? हम अपनी मर्जी से जिंदा नहीं रह सकते, हम अपनी मर्जी से अपना दोस्त नहीं बना सकते और हम अपनी मर्जी से अपने कपड़े नहीं पहन सकते। अब देखिए अगर एक शख्स है, उसको एक लेडीज है, वो निकर पहन ले और ऊपर छोटे से कपड़े पहन ले, लोग पहनते हैं लेकिन हम नहीं पहन सकते क्योंकि शर्मिंदगी है। इसलिए अपनी खुदी का इनकार करना मसीह में जिंदा होना है। अगर इंसान अपनी खुदी का इनकार नहीं करता वो कभी भी मसीह में तरक्की नहीं कर सकता, वो कभी भी उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ सकती। वो मसीह में होकर भी बीमारी परेशानी मुसीबत उससे जुदा नहीं हो सकती,
लेकिन जो चीजें मसीह में बरकत देती है, मसीह में जो दुख है वो फर्क है, जो दुनिया का दुख है उसमें फर्क है। एक शख्स देखे हम किन चीजों से इनकार करें, अपनी खुदी का क्या करें, हमारी पहली जिंदगी कैसी है और हम इन चीजों से इनकार करेंगे तो हम तौबा करेंगे। और हमने इनसे क्या करना है, अपनी खुदी से क्या करना है, क्या करना अपनी खुदी से। जब इंसान तौबा करता है, माफ़ लेता है, तो वो अपनी खुदी से उसे इनकार करना होगा। आज हम मसीह में कहते हैं हम मसीही, लेकिन मेरे चीजों मसीह में रहना, जिंदा मसीह में चलना, हालेलुया, क्या ही बरकत के दिन होते हैं, क्या ही हमारी तरक्की के खुशहाली के दिन है कि हम मसीह में जिंदा रहे। हालेलुया, किस में जिंदा रहे। अगर आप लोगों ने अपनी खुदी का इनकार नहीं किया तो आपकी तरक्की नहीं हो सकती। खुदा के कलाम लिखा है कोई भी इंसान तो मालकों की खिदमत, अगर आप अपनी खुदी का इनकार कर रहे हैं तो जो पहला मालक है उसको रद्द कर रहे हैं। क्या कर रहा, उसको रद्द कर रहे हैं। अब देखे जो पहला मालक है, क्या आपने उसको रद्द किया है। मेरे साथ निकाले, मरकज के जी निकाले, हालेलुया, मरकज के जी। मेरे चीजों हम जब तक अपने अंदर से वो चीज़ें निकालेंगे नहीं तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। सात बार अपनी खुदी से निकाल करना, यानी कि अपनी पहली चीज़ों को छोड़ देना और जो खुदा के कलाम में मुताबिक चीज़ें हैं, हुक्म है, उनको पहन लेना। यानी कि पहली जिंदगी को क्या करना है, छोड़ देना और नई जिंदगी का क्या करना, आगाज करना। ये है अपनी खुदी का क्या करना, अपनी खुदी का क्या करना। सुने, सात बार निकाल लिया तो कोई दस मरकस, खुदा का कलाम लिखा है ये है हमारी खुदी का इनकार इन चीजों से। 21 आयत लिखा है क्योंकि अंदर से, 21 आयत पढ़े क्योंकि अंदर से, यानी आज के दिन से बुरे ख्याल निकलते हैं, हराम कारियां हैं। क्या हमने अपनी खुदी का इनकार किया है, हमने हराम कारियों को छोड़ दिया है। अंदर से निकलती है चोरियां, अंदर से निकले, हमने चोरियों से इनकार किया है। सुने, खूरेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बद नजरी, बद गोई, शेखी, बेवकूफी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। ये है इन चीजों से हमने क्या करना है, अपनी खुदी का क्या करना है, इनकार करना है। सुने, ये सारी चीजों में मैं आपको एक पॉइंट को बस सिखाना चाहते, बाकी आप खुद समझ लेना। बड़ा ही खतरनाक पॉइंट है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मत्ती सात बाब में आए, इन सारी चीजों से हमने क्या करना है, हरामदारी, नपाकी, शहरपरस्ती, इन चीजों से क्या करना है, हमने सब बोले क्या करना है, क्या करना है, इनकार, अपनी खुदी का क्या करना है, जो मैंने पढ़ी है इन चीजों से क्या करना है। मैं सिना नहीं करूंगा, मैं इनकार करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इनकार करता हूँ। लेकिन एक पॉइंट को मैं आपको ज्यादा को सिखाना चाहता हूँ ताकि बाकी पॉइंट आप खुद समझ जाएंगे। सात, मत्ती सात, उसकी पहली है, बड़े पहली है, सब मिलकर पढ़ेंगे, सब 1 2 3। ऐब चोरी ना करो कि तुम्हारी भी ऐब चोरी ना की जाए। फिर दोबारा, चोरी ना करो, तुम्हारी भी ऐब चोरी ना की जाए।
हालेलुया के खुदा मैं आपको इसे इनकार करता हूँ, हालेलुया के मैं आपको इसे इनकार करता हूँ। अगर आप एफजी पे गलत आ गए ना, बाकी के नाम तो बड़ा आसान है, क्योंकि ये घोड़ा अंतरी बढ़िया रहता, निकलते नहीं है इनू कटिए फिर पक के बढ़ जाता, बड़े ढीठ है। एक आदमी ने शेर पाला, क्या पाला? जब शेर पाला तो अब देखे शेर क्या करता है, वो कहता है चलो ऐसा करता हूँ इसको मैं जंगल में छोड़ देता हूँ। कहाँ छोड़ के आता हूँ? और वो पिंजरा उसने बनाया हुआ था, पिंजरा बनाया था, तो कोई शेर पाला था बचपन में पिंजरे के अंदर छोटा सा बच्चा वो लाया, उसने क्या किया फीड आएगा तो पता कि ऐसा सिस्टम में बच्चा पैदा है ना ते फजी कर दे डॉक्टर के, चलो माँ की कोई जरूरत नहीं है असी खुद ही असी अंडाले लावे बच्चा भी पाल जाएगा, ऐसा है कि नहीं है? वो इतनी खराब अंडाले ला देते हैं बच्चा माँ भाई पता नहीं पता बस बच्चा बनया चाहिए वो आप ही पाल छोड़ दे डॉक्टर, ऐसा है। आ पुराने जमाने की बात, उस वक्त तो मुश्किल काम था, लेकिन उसने शेर का बच्चा लिया पिंजरा बना दिया छोटा सा बच्चा, लेकिन बड़ा पिंजरा बनाया उसमें उसने फीडर से उसको दूध पिलाना शुरू कर दिया। वो बच्चा वो पिंजरे में रहता था आस्ता सा बड़ा हो गया, क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब वो क्योंकि बचपन में पिंजरे में ही पड़ा है, अब वो कैसे पिंजरे से बाहर, अब वो कहता है उसे खुदा दसी आई मुझे ये बहुत बड़ा शेर हो गया, अब मैं क्या करता हूँ चलो भाई बैलगाड़ी निकाले इसको ऊपर आते हैं इसे दूर जा जंगल में जाकर छोड़ आते हैं। आपने उसे तरसा से कहते हो जंगल में आप बड़ी अच्छे तरीके से गुजारेगा, लेकिन क्योंकि वो पला कहाँ है वो पिंजरे के अंदर उसकी परवरिश हुई है, लेकिन उसे दरवाज़ा खोला उसको बाहर निकाले वो भागे थोड़ा सा भाग के फिर भागे तो उसे बाहर देखे ये क्यों सी जगह, तो फिर मुड़गा फिर पिंजरे देता है। वो कहे भाई की गल है, उन्होंने कहा मेरा किधर जाता है, फिर वो निकाले बाहर भागे थोड़ा जाए आगे तो भागे कहाँ वापस आ रहा पिंजरे, फिर वो निकाले फिर पिंजरे, क्यों क्यों वो क्यों ऐसा कर रहा? वो बचपन से पिंजरे के अंदर क्या हुआ है पला हुआ है, उसको कैसे बाहर निकाले क्योंकि वो जो शेर है वो पिंजरे में आदि हो चुका है। इसी तरह हम बचपन में जब एक जो कि आदि हो जाते हैं तो हम इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, मेरे पास ये शेर और बदल, क्योंकि हमने बचपन में अपने बच्चों को ये सिखाया नहीं, हमारे माँ बाप ने भी नहीं सिखाया बेटा ये एक जो बुरी बात है इसको निकालो, ये नहीं करती ऐप क्या है बुरी बात है, हमने ऐप जो ही नहीं कर ली, तो ये शेर की तरह फिर अंदर आ जाती है। लेकिन अगर हम बचपन में अगर हम कोई बचपन में शेर को बाहर ही पाला हो जंगल में तो वो पिंजरे में नहीं आएगा, वो पिंजरे में अगर आप बच्चा जब पैदा हो जाए उसी वक्त उसको कहें बेटा उनका सामने ऐप भी ना करें उन्हें समझाएं ये गुनाह है, तो मेरी गल याद रखा है 70-80 नंबर तो उनको मिल जाएंगे, कितने नंबर मिलेंगे 70-80 नंबर कितों मिलेंगे पास होते तो घरों भी अपनी दी धौन का कोई गोडा मार रहेगा बाहर जाने की जरूरत ही कौन नहीं है, अब 20-30 नंबर बारों मिलेंगे तुम पास ही पास हो करो कितने नंबर तुम फेल करते मिलते हैं 70-80 हो आपकी कहीं कितने नंबर मिलेंगे 70-80 नंबर घरों ही फेल होते मिल जाएंगे जाओ जितनी मर्जी दुआवा भगतियां करो फेल हो तुम जीरो फेल हो, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक की कर रहे हो ऐप जो ही ना जा केस है ना जा पर्चा है सिर्फ तुम नहीं पता लेकिन क्या खुदा हम पता है ना जा केस है ना जा पैन तो बड़ी मासूम लगती है गल उस महल कर आती है तो पता लगता फलानी भैन ने पीतियां भैन बड़ी दुआब हो गए लेकिन गल फिर भी भरा है बड़ा दुआब गल मुखिया ने वक्त तो पेल हुई तो कलाम ने कहा लेकिन ऐप जो ही ताकत भारी भी ऐप जो ही इस बात से आप इनकार करें
मैं खुदावंद अपनी खुदी का इनकार कर दो, अगर मैं आदमी को ठुड्डा मार दो आज से मैं नहीं करूंगा। खुदावंद ये मेरी जिंदगी में ना रहे, पहली बात इसका इनकार करना आज आपने। क्या करना है? इनकार करना। किस चीज का? अपनी खुदी में किस चीज को निकालना है? किसको निकालना? सब बोले आप जो ही को। ये बड़ा ही खतरनाक दीमक की तरह कीड़ा है जो आपको हड्डी को खा जाएगा। दूसरी मैं बात आपको सिखाना चाहता हूँ, एक और, एक है हसद। केड़ी गल गई मैं? हसद। आज मैं दो तीन पॉइंट आपको सिखाऊंगा, आपकी मदद नहीं, बाकी आप अपने साथ इंटरनेट ला जो तुम्हारे खड़ी हो जाएगी। पहली बात मैंने सिखाई है किसका इनकार करने लगे? अपनी खुद से क्या कर? इनकार का। तो अगर हम ऐप भी कार्ड ना ले ते हम आई जाएंगे स्कूल नहीं मिलेगा। देखे कैसे स्कूल मिले? आई कहा मैं बड़ा ठीक हूँ, ये तो बंदा बड़ा गलत है, बहुत बद स्कूल हो गया, तो हम कार्ड ना लेंगे। ये एक ऐसी चीज है जैसे कि कांटा नहीं होता हमारे पाँव में, इसको नकाल लेने से नहीं मिलता। इस तरह ये बीमारी है, मैं इसको बीमारी समझता बहुत बड़ी, और ये बरकत रोकने वाली बीमारी है। यीशु मसीह ने सुने, यीशु ने इसका हल क्या बताया? ऐप भी का हल भाई की है दसो, यीशु ने ऐप भी का हल की दसिया, वो इसका हल की दसिया, हल की इसका हल, ऐप का हल की। आप भी पता नहीं करने, मिसाल भैन छपाने मेरे बारे बुरा सोचा तो मनुख से अगर दसिया, तो मैं हल की करना चाहता भैन छपाना, तो आपको मैं वो बनवी दी गल पता उन्हें भी अगर की आ ना ये हल है। सुने मेरे साथ हवाला निकाल लिया, मत्ती निकाल लें, मत्ती को यीशु की बात कर लेते चलो। पांच बाप की आज 44 पढ़ेंगे। चौतालीस आज तक पांच बाप ने क्या? मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से अपने सताने वालों के लिए ये ऐप का हल, कि जो हमारी हमारी बुराई करते हैं साथ उठे, हम उनके लिए क्या करेंगे? दुआ। अब देखिए ऐप का मतलब पता की है? नुक्स। ऐप का की मतलब है नुक्स। हमारी जिंदगी में कोई ना कोई नुक्स होता तो हमारे को ऐप निकालता है। तो ईमानदारों को इसका हल खुदा ने दिया, दुआ करना। ईमानदारों का हल क्या है? जिन लोगों के जिंदगी में ऐप पाए जाते हैं उनके लिए दुआ करना, ना कि उनकी ऐपों का चर्चा करना। ईमानदारों का क्या है तरीका? क्या करना? दुआ करना। तो हम क्या करते हैं ईमानदार भी? हम भी उनके साथ मिल जाते हैं। क्या करते हम उनके साथ? देखे लुका के जेल 6 बाप यहां पर देखते हैं। पच्चीस याद में लिखा है, थोड़ी 28 पढ़ेंगे और 27 6 बाप के 27-28 याद में पढ़ेंगे। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखते हैं उनका भला करो, जो तुम पर लड़ करे उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीक करे उनके लिए दुआ करो। हालेलुया। ये हल जो हमारी बुराई कर रहा है, या हम किसी के बारे में कुछ जानते हैं, हमें उनके लिए दुआ करनी है।